भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी के साथ शुरुआत से खड़े रहे एक युवा नेता जो हमारे साथ कन्हैया जी है। कन्हैया जी कैसे हो? बहुत सारा चले हो आप, कैसे हो? देखिए हमारी यात्रा अब जो है महाराष्ट्र पहुंच चुकी है और हम लोग जो है लगभग अभी आधी यात्रा कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन लगभग आधी यात्रा कंप्लीट होने वाली है। तो हम कहते हैं आधा सफर तय हुआ है, आधा सफर भी तय हो जाएगा। ऐसे ही जो है कदम कदम हम लोग बढ़ाएंगे और कदम कदम मिलाएंगे और देश को जोड़ते जाएंगे। कितना भारत जोड़े हो अभी तक? देखिए ये सवाल जो है ना आपको खुद से पूछने की जरूरत है कि आप भारत से कितना जुड़े हुए हैं। क्या आपको कभी जो है ये महसूस हुआ है कि आपकी किसी उम्मीद को तोड़ी गई है, आपकी आशाओं पे कभी पानी फेरा गया है? तो जब तक हम ये महसूस नहीं करेंगे ना, तब तक आपको ये पता भी नहीं चलेगा कि आप कितना जो है देश जोड़ पाए हैं। मुझे बताइए, अभी तक आपने लेफ्ट में रहकर संगठन हो या पार्टी हो उसमें काम करते टाइम आपने अलग अलग मूवमेंट किए, अब कांग्रेस में रहकर काम करते कितना डिफिकल्ट जाता है या क्या अलग है? जनता के लिए आप कहीं भी काम करें, अलग अलग पार्टी में, अलग अलग संगठन में, उसका उद्देश्य जो है वो सेम होना चाहिए। जैसे दवाई भले अलग अलग ब्रांड की हो सकती है, पैरासीटामोल जो है वो अलग अलग ब्रांड का हो सकता है, लेकिन उसका काम है बुखार ठीक करना। तो हमारे लिए जनता के हक के लिए लड़ना, और कैसे हम इफेक्टिव तरीके से लड़ सकते हैं, कैसे हम कलेक्टिव तरीके से लड़ सकते हैं लोगों के लिए, ये हमारा काम है। राहुल जी, मुझे कन्हैया जी मुझे बताइए, आज डिजिटल युग है, जब दांडी मार्च निकला था तब एक 80 साल हो गए उसको, आज चलने की क्यों जरूरत पड़ती है? देखिए डिजिटल युग में क्या खाने की जरूरत नहीं होती है? डिजिटल युग में भी आपको काम की जरूरत होती है, ठीक है। इसलिए ये जो है काम आपको जो है करना पड़ता है। इस देश में जब आप चलेंगे, लोगों से मिलेंगे, लोगों की समस्याओं को जानेंगे, समझेंगे, लोगों को सुनेंगे, इसीलिए चलना जरूरी है। क्या लोगों का क्या कहना है? आप बहुत 1500-1600 किलोमीटर चले हो, क्या लोगों की भावना है यहाँ पे, क्या आपको लोगों के चेहरे पे क्या दिखाई देता है? देखिए लोगों के चेहरे पे साफ साफ ये दिखता है कि लोग महंगाई से परेशान हैं। अभी आप देखिए पीछे से लोग बोल रहे हैं, लोग महंगाई से परेशान हैं, लोग इस बात से परेशान हैं कि कैसे उनके बुनियादी मुद्दे, रोजी रोटी, कपड़ा मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, इसको गुमराह किया जाता है। अभी जो कांग्रेस जो है पिछले कुछ सालों में बैकफुट पे चली गई है, तो क्या कांग्रेस को संजीवनी मिलेगी आपको लगता है? देखिए कांग्रेस देश से बाहर नहीं है, अगर देश एकजुट रहेगा, देश के लोगों की स्थिति बेहतर होगी तो स्वाभाविक रूप से जो है कांग्रेस की भी स्थिति बेहतर होगी। चलिए एक बार देखिए, अपने पास कन्हैया कुमार ने पूरी राय अपने सामने रखी हुई है। कैमरामैन मंदार के साथ मैं मुस्तान मिर्जा, मुंबई तक।